पीछे हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस क्या हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ है हम जनता है, यानी हम सभी लोग हैं, और जो कुछ भी होना चाहिए हमारे सभी लोगों के लिए होना चाहिए, और हम लोग इसके ही हम लोग इसमें अपना भागीदार देंगे, अपना हिस्सा देंगे, तभी हम इसके निर्माण कर पाएंगे। इसमें हमें सभी मतलब सभी व्यक्तियों का सभी जनता का सहयोग सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा। यह एक त्यौहार ही नहीं है राष्ट्रीय त्यौहार, ये एक हमारा सम्मानित और हमें गर्व प्रदान करने वाला ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इसमें हमें गर्व होना चाहिए और इसे हम एकदम इच्छा से अपना हृदय से इसका सम्मान भी करना चाहिए। हमें इस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को हमें अपने अधिकार मिले, हमारे अपने संविधान मिले, और क्योंकि हम किसी भी लड़ाई के लिए अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं। अगर हमें अपना अधिकार नहीं मिला होता तो हम तो कुछ भी नहीं होते, हम किससे कुछ कहने जाते या बोलने जाते। जो हमें अधिकार मिला है, हमें किसी चीज़ की समस्या होगी तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस चीज़ को अपने स्कूल में अपने बच्चों को भी हम शिक्षा देते हैं कि अपने अधिकार को समझे, अपने कर्तव्य को समझे, अपने हक के लिए लड़े, अपनी आवाजें उठाए, डरे नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने अपने हक को नहीं मांगेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं अपने विचार को प्रकट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें साहस के साथ और आगे बढ़ना है। इसलिए शिक्षा तो सबसे जरूरी है और आज के समय शिक्षा ही सब कुछ है, और उसी जब तक हम शिक्षा को नहीं समझेंगे, शिक्षा लेंगे तभी तो समझेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। जब शिक्षा लेंगे, जब पढ़ेंगे, किताबें देखेंगे तभी तो हम समझेंगे और उस अधिकार के आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्ष के त्यौहार है। इस दिन बहुत महापुरुषों ने अपनी बलिदानी दी, तब जा करके हमें अपना देश को हमें अपने देश में स्वतंत्रता मिली और हमें अपने अधिकार मिले हैं। चलिए मैं इतना ही बोल सकती बोली हूँ। चलिए सबको धन्यवाद।